हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में थ्योरी सारी पढ़ चुके हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, ठीक है। आज हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उससे क्या होगा कि आपने पीछे जो थ्योरी पढ़ी है उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा थ्योरी लेक्चर्स को रिफ़र करेंगे आप, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ वी स्टार्ट विद न्यूमेरिकल नंबर वन। तो देखिए, क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं राइट कर रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट होगा उससे। आप क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद मैं सॉल्यूशन करता हूँ। ए 12 पोल थ्री फेज अल्टरनेटर इज कपल्ड टू एन इंजन रनिंग एट 500 RPM। इट सप्लाइज एन इंडक्शन मोटर विच हैज़ ए फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 RPM। फाइंड द स्लिप एंड द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर। तो देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि 12 पोल थ्री फेज अल्टरनेटर है और वो 500 RPM की स्पीड पे रन कर रहा है। तो हम एंड इट सप्लाइज एन इंडक्शन मोटर विच हैज ए फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 RPM। फाइंड द स्लिप एंड द नंबर ऑफ पोल्स। हम लोगों को स्लिप निकालना है और नंबर ऑफ पोल्स निकालना है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो निकल के आएगी, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, पी एन एस अपॉन 120। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने दिए हैं, 12। स्पीड कितनी दी हुई है, 500 डिवाइडेड बाई 120। तो ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 Hz, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर कितना दिया हुआ है, 1440 RPM। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि एंड इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स एट स्पीड स्लाइटली लेस देन इट्स सिंक्रोनस स्पीड। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या निकाला हमने इंडक्शन मोटर के लिए, अभी ये हमने निकाला है 50 Hz, ठीक है। तो द पॉसिबल सिंक्रोनस स्पीड्स फॉर 50 Hz आर 3000, 1500, 1000 RPM एटसेट्रा। सो द क्लोजेस्ट सिंक्रोनस स्पीड करस्पॉन्डिंग टू द एक्चुअल स्पीड ऑफ 1440 RPM इज 1500, ठीक है। ये जो लाइन मैंने अभी आपको बताई है, देखिए, ये अगर इस फ्रिक्वेंसी पे सप्लाई फ्रिक्वेंसी अगर ये है 50 Hz, तो जो पॉसिबल सिंक्रोनस स्पीड है, ये ध्यान रखिएगा, पॉसिबल सिंक्रोनस स्पीड वो क्या हो सकती है, वो 3000 हो सकती है, 1500 हो सकती है, ठीक है, ऐसे 1000 RPM हो सकती है एट्सेट्रा। तो अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स एट ए स्पीड स्लाइटली लेस देन इट्स सिंक्रोनस स्पीड। तो स्लाइटली लेस देन मतलब, अब इन सिंक्रोनस स्पीड में से अगर मान लीजिए ये हम देखेंगे कि 1440 जो है किसके क्लोजेस्ट है, तो इसके क्लोजेस्ट है, ठीक। तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी सिंक्रोनस स्पीड जो है 1500 RPM हम ले लेते हैं, यानी एन एस एम इज इक्वल टू हो गया 1500। अब अगर हम स्लिप कैलकुलेट करेंगे, स्लिप ऑफ द मोटर, स्लिप ऑफ द मोटर, एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एस एम माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस एम, यानी 1500 माइनस 1440 डिवाइडेड बाई 1500, ठीक। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 0.04, ये आ गई इसकी स्लिप। या अगर परसेंट में आप करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4%, ठीक। एक आंसर ये हो गया। सेकंड चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर। तो नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर फिर हम कैलकुलेट करेंगे, पी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इस फॉर्मूले को देखिए, तो 120 इंटू एफ और डिवाइडेड बाई एन एस एम। तो ये हो गया 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1500। ये नंबर ऑफ पोल्स आ गए मोटर में 4। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ इन द स्टेटर ऑफ ए 4 पोल। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ इन द स्टेटर ऑफ ए 4 पोल इंडक्शन मोटर इज 50 Hz।
एंड दैट इन द रोटर इज 1.5 हर्ट्स, वॉट इज द स्लिप एंड एट वॉट स्पीड इज द मोटर रनिंग। तो फिर हम निकालेंगे, अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, एफ टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इन टू एफ वन, एस बराबर क्या हो जाएगा, एफ टू अपॉन एफ वन, 1.5 अपॉन 50। तो एस टू कितना आ गया, 0.03 पर यूनिट हो गया, या परसेंटेज में करेंगे तो 3% आ गया, सीधी सी बात है। ठीक, अब ये एस हो गया स्लिप, इसको आप लिख सकते हैं स्लिप। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी हम निकालेंगे तो एफ वन इजल टू कितना हो जाएगा, पी एन एस अपॉन 120। तो पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 4। तो यहाँ से हमें निकालना क्या, हमें एन एस निकालना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एन एस इजल टू क्या हो जाएगा, 120 इंटू एफ वन अपॉन पी। ठीक है, तो 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी दी है, 50, और पोल कितना दिया हुआ है, 4। ये कैलकुलेट करेंगे तो आप इसका एन एस आ जाएगा 1500 आरपीएम, ये मोटर की स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड ऑफ द मोटर, स्पीड ऑफ द मोटर, तो अब स्लिप को कंसिडर करके हम लिखेंगे तो एन इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एस इंटू एन एस, ये हो गया 1 माइनस 0.03 इंटू 1500, ये कितना हो जाएगा, 1455 आरपीएम। ठीक, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है, ए 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज, ए 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज ए स्लिप ऑफ 1% एट नो लोड, 3% एट फुल लोड, डिटरमाइन। अब इसमें हमें क्या क्या निकालना है, डिटरमाइन सिंक्रोनस स्पीड, नो लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट फुल लोड। ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब स्टेप बाय स्टेप आप इसको कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या निकाला, हम निकालेंगे सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड एन एस इक्वल टू हो जाएगा 120 एफ वन डिवाइडेड बाई पी। तो ये सीधा हो गया 120 इंटू 50 बाई 6, तो ये आ गया आपका 1000 आरपीएम। सेकेंड स्टेप में हमें क्या निकालना है, नो लोड स्पीड। तो नो लोड स्पीड क्या होगा, एन जीरो इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एस जीरो एन एस। ठीक है, तो ये हो गया, स्लिप दिया हुआ 1%, तो 1 माइनस 0.01 इंटू 1000, ये आ गया आपका 990 आरपीएम। अब थर्ड स्टेप में आ जाइए, फुल लोड स्पीड, तो एन एफ एल, ये फुल लोड स्पीड हो जाएगा इक्वल टू हो गया 1 माइनस एस एफ एल इंटू एन एस, ये हो गया आपका 1 माइनस 0.03 इंटू 1000, ये आ गया आपका 970 आरपीएम। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एफ टू इक्वल टू हो गया एस इंटू एफ वन, एस कितना हो जाएगा 1 इंटू 50, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज। और लास्ट पार्ट जो रह गया इसका, वो है आपका कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट फुल लोड, तो फुल लोड पे हो जाएगा एफ टू इजल टू एस एफ एल इंटू एफ वन, तो एस कितना है 0.03 इंटू एफ वन कितना हो गया 50, तो ये आ गया आपका 1.5 हर्ट्ज। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो है इजी रहते हैं, इसको अगर आपको फार्मूला क्लियर है, फार्मूला भी छोटे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख के जो चीज़ें पूछी हुई हैं उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन और करते हैं,
ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि सपोज कीजिए ए 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स फ्रॉम ए सप्लाई हुज फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स। कैलकुलेट स्पीड एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट है स्पीड ऑफ रोटर व्हेन इट्स स्लिप इज 0.04, और थर्ड पार्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करेंट एट स्टैंड स्टिल। तो ये 3 चीज़ हमको निकालनी है। तो इसमें पहला पार्ट हम निकालेंगे कि स्पीड एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू रोटर, तो ये एन एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 120 F1 डिवाइडेड बाई P। कितना हो गया, 120 × 50 / 4, ये हो गया 1500 RPM। सेकेंड आ जाइए, स्पीड ऑफ रोटर, स्पीड ऑफ रोटर NR इज इक्वल टू हो गया NS × 1 - S। ये कितना हो जाएगा, 1500 1 - 0.04, ये कितना हो गया 1440 RPM। अब एट स्टैंड स्टिल पे क्या होगा, एट स्टैंड स्टिल इस सिचुएशन में स्लिप कितना दिया हुआ है, एस दिया हुआ है 1, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी रोटर की, FR इज इक्वल टू हो जाएगा SF1, मतलब 1 × 50 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 50 हर्ट्ज। तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल्स को बड़े आराम से, अगर जो है आपको फॉर्मूले क्लियर हैं कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है, तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल से काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।